लाइट हो रहा है धीरे धीरे। बारी आया देखते हैं, और हम तो लकी है कि हमें स्नोफॉल में मणिकरण देखने का मौका मिल रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है कसोल और मणिकरण, तो आप एक बार जरूर प्लान कीजिए। हमें गाड़ी यहीं पर लगानी है और आगे पैदल जाना है, क्योंकि आगे रास्ते भी खराब है और शायद पार्किंग ना मिले, तो अब हम यहीं पर गाड़ी को पार्क कर रहे हैं। मणिकरण गुरुद्वारे में, और बच्चे ये बर्फ से खेलते हुए, ये देखिए यहाँ पर स्नो को साफ किया जा रहा है श्रद्धालुओं के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं मणिकरण गुरुद्वारा,
जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये हमारा एक अच्छा लक कह सकते हैं आप कि स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ़ पड़ रही है, स्नोफॉल होते हुए हम पहली बार मणिकरण आए, पहली बार गुरुद्वारा देख रहे हैं ये, और साथ में सोने पे सुहागा हमें स्नोफॉल भी मिल गया यहाँ पे बर्फ़बारी होते हुए मणिकरण। बहुत से लोग आते होंगे जिनको ये मतलब व्यू देखने को नहीं मिलता होगा। और साथ में ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल पार्वती रिवर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और ये आप देख सकते हैं जहाँ से ये धुआं निकल रहा है सामने, ये है यहाँ का हॉट स्प्रिंग जहाँ से कि गर्म पानी निकलता है नेचुरल तरीके से। इसमें कोई हीटर नहीं लगाया गया, कोई एलिमेंट यूज़ नहीं किया गया गर्म करने के लिए, नेचुरल हॉट स्प्रिंग है, कुदरती गर्म पानी निकलता है यहाँ से। और धुआं देखिए आप, धुआं देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना गर्म पानी होगा इतनी ज़्यादा ठंड में, जिसमें कि इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा है जैसे कि आग लगा दी गई हो। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा दृश्य है ये। और सामने है गुरुद्वारा मणिकरण, जो कि काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है और सिख धर्म में इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं हर साल, बहुत एंजॉय करते हैं इस पल को, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पर बिल्कुल रिवर साइड ही गुरुद्वारा बनाया गया है। ये चीज़ बहुत ही इसमें इसको गुरुद्वारे को स्पेशल करती है और गुरुद्वारों से, जो कि बिल्कुल रिवर साइड है। तो फ्रेंड्स अभी हम अंदर चलेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे, टिल देन बाय। फ्रेंड्स अब हम अंदर जा रहे हैं। लगातार स्नोफॉल होते हुए बहुत ही खूबसूरत मंजर। जो तो स्ट्रीम आ रही है ना ये पानी की, इससे बहुत गर्माहट मिल रही है बॉडी को। कितनी ज्यादा स्ट्रीम है, सामने भाप कितनी ज्यादा है। वाओ अनोखा मंजर, गर्म पानी के साथ साथ ठंडा पानी और स्नोफॉल, कुदरत के आगे साइंस भी फेल है फ्रेंड्स। और ये देखिए सामने का मंजर। गुरुद्वारा साहिब भाप है, जेंट्स इधर सब पता नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ। हाँ। तो यहाँ पे गर्मी लग रही है ना, पैरों को भी आराम मिल रहा है, पैरों को भी आराम मिल रहा है। हाँ कुंड है ये फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर स्टीम की वजह से कितना धुआं धुआं सा हो रहा है, क्योंकि अंदर जो है ये पूरा नहाने के लिए बना रखा है, लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। हॉट केव, ये हॉट केव वीडियो तो दिखा दो, ये हॉट है पूरी हॉट केव है, तो काफी गर्म है, बड़ी गर्मी है यहाँ पर। ये भी गर्म हो रहा है पत्थर, कुदरत का करिश्मा है ना, गर्म है पैरों की। यहाँ तो सबने शूज वगैरह पहने हुए हैं, हम नंगे पैर है तो बहुत ठंडा है। इधर गलत आए हम शायद। वो चावल बना रहे हैं, मतलब इसमें पैर हाथ सुख ही डाल देते, जल जाएगा इतना गर्म है, उबल रहा है ना ये देखो, ये कुदरती इतना उबलता पानी आ रहा है, ये नेचुरल है। अच्छा जी,
तो ये फिर नहाते किधर है जो लेडीज जेंट्स का नहाने का भी बना हुआ है? अच्छा उधर ही है, इधर भी है। कितना तो कम गर्म होगा वो पानी? इधर देखो थोड़ा हाँ फ्रेंड्स, देखिए चावल उबलते हुए। मम्मा ये टूट जाएगा, मैं गिर जाऊंगा। क्या टूट जाएगा? सारे में स्टीम स्टीम हो रही है। बता यार क्या टूट जाते हैं? तो फ्रेंड्स स्टीम की वजह से कुछ नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ पर एक मंदिर है काफी बड़ा सा, पता नहीं चलो। और हाँ मंदिर ही है मगर स्टीम की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पर भी उबलता हुआ पानी है, ये देखिए। और यहाँ पर तो पैरों की सिकाई हो रही है। चलो कोई नहीं ना, ये है कि पैर गर्म रखने का, ये यहाँ पर है। आज पता नहीं कहाँ पर गया है। ये है जेंट्स का स्प्रिंग वाटर। तो फ्रेंड्स अब हम मणिकरण से आ गए हैं और अब आगे कहाँ जा रहे हैं? अब हम वापस कसौल की तरफ जा रहे हैं। बहुत स्लिपरी हो चुकी है और आगे जाना रिस्की है बहुत ज्यादा। हाँ रोड खराब हो गई, आगे गाड़ियाँ स्लिप हो रही है और जान का खतरा हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपको आगे भी वीडियो दिखानी है। तो फ्रेंड्स ये है कसौल कैंप्स जो कि कसौल में है, कसौल और मणिकरण के रास्ते में पड़ता है। बहुत ही ब्यूटीफुल हट्स बनी है यहाँ पर और ये इसका एंट्रेंस जैसा आप देख रहे हैं, ये अंदर इन्होंने रेस्टोरेंट मेंटेन किया हुआ है और ये है इसका रिसेप्शन। बहुत ब्यूटीफुल कैंप्स है, वन नाइट स्टे तो यहाँ का मिनिमम बनता है। और गुड लक की यहाँ पर स्नोफॉल देखो कितना जबरदस्त हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल को, पहाड़ों से बरस रही है चांदी देखिए। बहुत प्यारे कैंप्स बने हुए हैं और सारी मॉडर्न फैसिलिटीज है यहाँ पर, म्यूजिक सिस्टम, बार, रेस्टोरेंट में पूरा हीटिंग सिस्टम, ये साइड में पूरा हुक्का बार और ये इसकी पूरी फैसिलिटी है। ये देखिए इधर हुक्का चल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल लोग। ये देखिए ये है कसौल। ये है यहाँ का बार, जो भी विस्की और ड्रिंक लवर हैं उनके लिए तो जन्नत है ये, सारे साइड से लगे हुए। और ये है इनका ब्यूटीफुल बार और ये है भैया यहाँ के बार टेंडर। भैया आपका गुड नेम क्या है? तेजा जी, तेजा। तेजा तो ये बार क्या सर्विस है, टाइमिंग क्या है इसके? आठ से ग्यारह तक फ्रेंड्स ये बार खुला रहता है। और भैया तेजा जो है बार टेंडर है यहाँ के और यहाँ पर आपको आपके अनुसार सारी चीज़ें, सभी तरह की विस्की वाइन जो भी आप पसंद करते हैं वो सारे ड्रिंक्स यहाँ से मिल जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये है बिल्कुल इसके साथ, देखिए पार्वती रिवर, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। विंटर में देखो स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पर और गर्मियों में लोग इसमें नहाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं और जो कुछ भी करना चाहें सब करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, लोग यहाँ पर अपनी सारी टेंशन भूल कर आते हैं।
सिर्फ लाइफ को जिंदगी को जीने के लिए आते हैं। बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह, यहाँ पर आप आकर के एक दिन दो दिन जब तक जितना चाहे आप स्टे कर सकते हैं, बिल्कुल नेचर के करीब। ये देखिए फैमिली फ्रेंडली भी है ये, यहाँ पे ये पूरा इन्होंने कैंप फायर का अरेंज कर रखा है। शाम के टाइम यहाँ पर गर्मी हो या सर्दी, क्योंकि यहाँ तो ऑलमोस्ट क्लाइमेट ठंडा ही रहता है, तो इस करके लोग कैंप फायर करते हैं यहाँ पर बच्चों के झूलने के लिए। हर चीज़ सारी सभी तरह की सुविधाएं हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर 3000 से कैंप स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये सब रूम्स बने हुए हैं और रूम में सारी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं। तो आप आइए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं, थैंक यू।